आपको बताएं, बीएसपी और गोंडवाना गठतंत्र मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों पार्टी के बीच अब गठबंधन हो चुका है। बसपा 53 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, गोंडवाना गठतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीएसपी और गोंडवाना गठतंत्र मिलकर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोनों के बीच गठबंधन हुआ है, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है और अब तैयारी की जा रही है। बीएसपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बड़ी जो खबर है, बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीएसपी और गोंडवाना गठबंधन मिलकर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को बैठक में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में मंत्री, विभाग प्रमुख, कलेक्टर, कमिश्नर शामिल होंगे। कैबिनेट के बाद बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ी बैठक होगी। मंत्रियों और अफसरों की संयुक्त बैठक होगी। भोपाल की बात करते हैं। 13 दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमा का अनावरण आज होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे यह अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। मंत्रालय में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमा लगी है। कार्यकाल के अलावा संक्षिप्ति परिचय भी दिवंगत मुख्यमंत्री की उपलब्धि से प्रदेश रूबरू होगा। खास धातु से मूर्तियों का निर्माण हुआ। और धीरेन्द्र शास्त्री आज भोपाल आने वाले हैं। भोपाल में 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकालेंगे। शाम 4 बजे अन्ना नगर से शोभा यात्रा शुरू होगी। पुराने शहर से होते हुए अशोका गार्डन जाएगी शोभा यात्रा। 27 सितंबर से भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री कथा करेंगे। 28 सितंबर को दिव्य दरबार भी लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बात गरियाबंद की, जहां प्राथमिक स्कूल कुरुस केरा में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि स्कूल में 107 बच्चे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। स्कूल के प्रधान 6 महीने से प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे थे। गुस्से में आकर छात्रों ने तालाबंदी का कदम उठाया। जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, तब जाकर सहायक BEO स्कूल पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने अधिकारी से कहा कि शिक्षक की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।